चैप्टर 11 का पहला हिस्सा है जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। थर्मो यानी कि हीट और डायनामिक्स, हीट किस तरह ट्रैवल करती है। और इस चैप्टर में हम गैस को मीडियम कंसिडर करेंगे जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है। इसलिए हम सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, गैस में प्रेशर किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो कि हमें बताता है कि गैस के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह रिलेटेड होते हैं टेम्परेचर के साथ। गैस के जरिए हीट के ट्रांसफर को पढ़ने के लिए पहले हमारे दिमाग में एक तस्वीर होना चाहिए कि गैस होती क्या है या कैसी होती है। ये हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताती है कि एक आइडियल गैस में सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन सब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंसेस होता है उनके मास के मुकाबले में उनके डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके मास को हम पॉइंट मासेस कंसिडर कर सकते हैं और सब मॉलिक्यूल्स का हम कह सकते हैं कि एक ही मास है एम। तीसरी चीज़, वो सब मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं जिसका मतलब है मैं किसी एक इंस्टेंट पर ये नहीं बता सकती कि अब ये मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। चौथी चीज़, ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करें, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इनके बीच में। इसका क्या मतलब है कि इनकी मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल है। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, जब एक मॉलिक्यूल एक फोर्स फील्ड में होता है तो उस फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब ये कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करते एक दूसरे के ऊपर तो इन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होती है। आखिरी पॉइंट है कि ये मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहता है कि ये जब कोलाइड करते हैं तो इनकी कोलिजन्स इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स जरूर अप्लाई करते हैं मगर इनका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। एक दूसरे के साथ टकराने में भी और जब ये दीवारों के साथ टकराते हैं इस कंटेनर की तो भी दीवार के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं मगर मोमेंटम इनका कंजर्व रहता है, मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता। गैस को जब हम एक कंटेनर में रखते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ मोमेंटम होता है, जैसे वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जब उसकी दीवार से टकराते हैं तो वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जो हमें प्रेशर फील हो रहा होता है कंटेनर की दीवारों पे वो उस मोमेंटम की वजह से होता है जो उस गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। जितने मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर वो कंटेनर की दीवार पे एग्जर्ट करेंगे। हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना चाहते हैं, प्रेशर के एक्सप्रेशन को, और मैं जल्दी से इसकी डेरिवेशन करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए हम कुछ मेन रिलेशनशिप्स यूज करेंगे सिंपल। डेंसिटी जो है वो मास ओवर वॉल्यूम होती है और हम प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स हम कहाँ से लेके आएंगे, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। एक खास टाइम के लिए हम एक फोर्स अप्लाई करें उसको इम्पल्स कहते हैं और वो बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम उस सिस्टम के जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एक चीज जिसका मास एम है और वेलोसिटी वी से मूव करिए उसका मोमेंटम पी होता है। और हम यूज करेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला एक्सप्रेशन। हम शुरू करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। हम एक कंटेनर कंसिडर करते हैं, एक क्यूब है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ एल है और इसके अंदर टोटल एन मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल का मास एम है। तो अब हम सिर्फ सबसे पहले एक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे जिसको हम मॉलिक्यूल नंबर वन कह देते हैं और सिर्फ एक डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, एक्स डायरेक्शन सिंप्लिसिटी के लिए। मॉलिक्यूल नंबर वन एक्स मूव करता है एक कोने से दूसरे कोने तक और वापस अपनी जगह पे आ जाता है, दूसरे कोने से कोलाइड करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है, टोटल 2L डिस्टेंस कवर करता है। इस दौरान उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम उसका एम वी वन एक्स है तो इनिशियल मोमेंटम उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन चेंज होके एम वी वन एक्स आ जाएगा। मोमेंटम सेम है सिर्फ उसकी डायरेक्शन फर्क है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम 2mv1x। हम माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, हम चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड करना चाहते हैं चेंज इन टाइम के साथ। ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस वाले एक्सप्रेशन से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। चेंज इन टाइम हम फाइंड करते हैं इस एक्सप्रेशन से, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2L और वेलोसिटी कितनी है v1x, तो चेंज इन टाइम है 2L डिवाइडेड बाय v1x। मैं 2mv1x को डिवाइड करूंगी 2L डिवाइडेड बाय v1x से, 2 2 से कट जाएगा, v1 इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, मेरे पास फोर्स आ जाएगा 1x वाले मॉलिक्यूल का सिर्फ mv1x स्क्वायर ओवर L। इस फोर्स को मैं पुट करती हूं इस इक्वेशन में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अभी मैंने सिर्फ 1x मॉलिक्यूल का फाइंड करी हूं, 1x फोर्स mv1x स्क्वायर ओवर L मल्टीप्लाइड बाय एरिया L स्क्वायर, मेरे पास आ जाएगा M ओवर L क्यूब।
मल्टीप्लाइड बाय वी वन एक्स स्क्वायर। मगर मैं वन एक्स का प्रेशर नहीं करना चाहती, मैं पूरे एक्सट्रैक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स का करना चाहती हूँ, मैं उन सबको ऐड कर दूंगी, मुझे सारी वेलोसिटीज भी ऐड करनी पड़ेंगी। मेरे पास टोटल जो प्रेशर एक्सट्रैक्शन में आएगा वी वन एक्स प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी एन एक्स स्क्वायर तक आएगा। अब मैं क्या करती हूँ, एम ओवर एल क्यूब को मैं डेंसिटी की टर्म्स में लिख सकती हूँ। डेंसिटी मुझे पता है क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। टोटल मेरा मास कितना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय हर एक का मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये मेरे पास डेंसिटी है। एन को मैं दूसरी साइड पे ले लूँ तो एम ओवर एल क्यूब का एक्सप्रेशन मेरे पास डेंसिटी ओवर एन आ जाता है, जो कि मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगी। डेंसिटी ओवर एन लिखा और आगे ये वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी एन एक्स स्क्वायर वाली चीज़ लिखी। ये जो चीज़ है, मैं सारी वेलोसिटीज एन तक डिवाइड करी हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में। इसको मैं लिख सकती हूँ वी एक्स, एक खास नोटेशन है ट्राइंगुलर पैरेंथेसिस के अंदर हम इसको लिखते हैं। ये एक्स डायरेक्शन में प्रेशर आ गया, मगर मुझे सारी डायरेक्शंस में चाहिए, तो वी जो टोटल है वेलोसिटी वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड है और ये सब आपस में बराबर है, तो टोटल जो वी है वो एक तिहाई हिस्सा है वी एक्स का। यहाँ पर मैं अगर v जेनेरिक एक्सप्रेशन लिखना चाहती हूँ और p x की जगह p लिखना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ रो v स्क्वायर ओवर 3। अब मैं इसी को काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में लिखना चाहती हूँ, मैं डेंसिटी को रिप्लेस करती हूँ m n ओवर वॉल्यूम से, जो मेरा ये वाली चीज़ है m n ओवर वॉल्यूम, और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी ताकि मेरे पास अंदर वी स्क्वायर ओवर 2 आ जाए, और ये जो मास मैंने बाहर लिखा है इसको मैं अंदर लिख देती हूँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होता है। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, ये मेरे पास पी आ गया, ये मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ गई। टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर हमें बताता है यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन, जिसके मुताबिक पी टाइम्स वी बराबर होता है एन आर टी के। प्रेशर वॉल्यूम, एन एक कांस्टेंट है जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टाइम एवोगाड्रोस नंबर, जो कि एक और यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और आर एक और यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको कहते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा से आई, हमने डिराइव नहीं की, हमने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हमें पता चला कि ये रिलेशनशिप है, और हमने डिराइव जो इक्वेशन की थी उसके मुताबिक 2/3 n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं, राइट हैंड साइड्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। एन आर टी बराबर होगा 2/3 n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के, जो कि बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर मीन वेलोसिटी। तो अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट्स हैं, एन और आर भी कांस्टेंट हैं, 2/3 n भी कांस्टेंट है, तो यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। इसका क्या मतलब है कि जब एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा मूव करना शुरू हो जाते हैं, उनका ट्रांसलेशनल मूवमेंट बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से। बॉयल्स लॉ में हमें एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो फिर हमारी इस इक्वेशन की क्या शक्ल बनती है, पी वी बराबर था 2/3 n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने अभी देखा, तो जब काइनेटिक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, तो ये पूरी साइड हमारी कांस्टेंट हो जाएगी और पी प्रोपोर्शनल होगा 1/v के, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, इस सिचुएशन को कहते हैं बॉयल्स लॉ। हमने प्रेशर इनटू वॉल्यूम को डिराइव किया 2/3 टाइम्स एन काइनेटिक एनर्जी। अब चार्ल्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम वॉल्यूम को किसी तरीके से कांस्टेंट कर लें, मसलन अगर इस कंटेनर के अंदर गैस है और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और मैं इस पिस्टन को यहाँ पर लॉक कर दूँ कि ये पिस्टन अपनी जगह से मूव नहीं किया जा सकता, यानी ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा गैस का, तो फिर चार्ल्स लॉ के मुताबिक मेरे पास 2/3 n/v, मैं वॉल्यूम को नीचे लेके आ रही हूँ ताकि सारे कांस्टेंट्स हमारे पास इकट्ठे हो जाएं, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी, तो पी प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी के। इसका क्या मतलब है कि मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो प्रेशर किस वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक मोमेंटम होता है और वो जब दीवारों से टकराते हैं कंटेनर की तो वो मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करते आइडियल गैस में, मगर एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं दीवार के ऊपर, और उस फोर्स की वजह से प्रेशर हमें फील होता है
कंटेनर को फील होता है. तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, तो फिर जब ये ज़्यादा, इनका मोशन ज़्यादा हो जाएगा, इनके अंदर मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा. A gas containing n number of molecules of gas having mass m of each molecule is in a cubic container having length of each side a. अब वो डेंसिटी ऑफ द गैस कितनी है. m एक मॉलिक्यूल का मास है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, इसको डिवाइड करते हैं हम वॉल्यूम से. एक साइड का लेंथ जो है वो a है एक क्यूब के अंदर, तो इसका वॉल्यूम जो है वो a क्यूब के बराबर होगा. तो मेरे पास डेंसिटी का एक्सप्रेशन टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम होता है, ये आ जाएगा m n ओवर a क्यूब. मैं देखती हूँ मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, m n ओवर a क्यूब. मेरे पास n ओवर a क्यूब है, जो कि इसके साथ m लिखा होना चाहिए था, ये गलत है. m ओवर a क्यूब है, इसके साथ कैपिटल n लिखा होना चाहिए था, ये भी गलत है. मेरे पास n m ओवर a स्क्वायर है, और मेरे पास n a क्यूब ओवर m है, जो कि n के साथ हमने a क्यूब को डिवाइड करना है, तो ये भी गलत है. आइडियली यहाँ पर क्यूब होना चाहिए हमारी जो बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक, मगर ये करीब तरीन ऑप्शन है जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है लॉजिकली, इसलिए मैं इसको ठीक करूँगी. Which of the following is expression of root mean square speed of a gas having n number of molecules? अगर मैं गैस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की स्पीड्स को स्क्वायर करूं, टोटल n है उन्होंने बताया छोटा n, और इसको मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि n है उनसे डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास स्क्वायर ऑफ स्पीड का मीन आ जाएगा. मगर उन्होंने मुझसे क्या पूछा है, रूट. उन्होंने कहा है रूट भी लें इसकी, तो फिर इसको भी रूट ले लूं, तो फिर ये मेरे पास आ जाएगी ये वाली पूरी क्वांटिटी. इनमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है. हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, ऑप्शन बी में क्या है, ये अंदर वाली चीज़ है, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया हुआ, तो ये चीज़ गलत है क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि रूट भी हो. ऑप्शन सी में स्क्वायर रूट है पर ये चीज़ें स्क्वायर नहीं है, और ऑप्शन डी में स्क्वायर भी नहीं है और स्क्वायर रूट भी नहीं लिया हुआ. जनरल गैस इक्वेशन जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमारे पास आती है, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. n हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशन ऑफ n. अब इसमें उन्होंने a के बजाय n1 लिया हुआ है. हम ये अज्यूम करते हैं कि n1 का मतलब है n a, वरना हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते, इसलिए कभी कभी हमें अजम्पशंस करनी पड़ती हैं. तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करना है हमने n के साथ, तो b वाला ऑप्शन हमें लग रहा है कि ये है. a ऑप्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है, c ऑप्शन में n1 ऊपर है, n1 ऊपर नहीं होना चाहिए, n1 नीचे होना चाहिए, n ऑप्शन में भी ये गलत है. द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, प्रेशर की हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2 बाई 3 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी. तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है उन्होंने पूछा हुआ है. उन्होंने मुख्तलिफ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, किस फ्रैक्शन के बराबर है. पहली वाली मिट्टी भी है पर हम एस्टिमेट करेंगे. ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम ये पूरी चीज इस पूरी स्टेटमेंट के बराबर है. अब हमने सिर्फ देखना है कि पीछे साथ फ्रैक्शन क्या है. तो फ्रैक्शन या 1 बाई 3 दी हुई है या 1 बाई 2 दी हुई है, और ऑप्शन बी में क्या है, उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है. तो इसका मतलब है कि कोई फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन वन है. तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि हमारे पास 2 बाई 3 है. तो मैं अज्यूम करती हूँ कि यहाँ पर 2 बाई 3 लिखा होता तो ये करेक्ट जवाब था. प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशनशिप हमने डेरिवेशन के दौरान 1 बाई 3 टाइम्स डेंसिटी टाइम्स मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटीज. तो उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो फिर क्या होगा. कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि ये वेलोसिटीज कांस्टेंट होंगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के साथ वेलोसिटी होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है. पीछे क्या रह गया, पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 3 रो. 1 बाई 3 चूंकि कांस्टेंट है तो हम इसको, इन दोनों को हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे. पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर रो, ऑप्शन डी हमारा ठीक है. सी में डायरेक्टली लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है स्क्वायर्ड के प्रोपोर्शनल है, सी में लिखा हुआ है कि क्यूब, सॉरी ए में लिखा हुआ है क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये बाकी सब गलत है, ऑप्शन डी ठीक है. द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, जो कि हमें पता है एन ओवर वी 2 बाई 3, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये प्रेशर होता है. एन ओवर वी को एन नॉट भी कहते हैं, एक और कॉन्स्टेंट हम बना देते हैं. तो हमारे पास टोटल जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, प्रेशर इज इक्वल टू 2 बाई 3 एन नॉट टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि
प्रेशर की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी कैसे दे सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को इधर रहने दे, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3p डिवाइडेड बाय 2n0। 3p डिवाइडेड बाय 2n0 ऑप्शन ए है, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। अगर आप इन कैलकुलेशंस को ध्यान से नहीं करेंगे तो ये आप उल्टा कर सकते हैं 2 और 3 को, और इसमें मिस्टेक का इसलिए चांस है। 3p ओवर 2n0, क्योंकि 2/3 n0 ये एक्सप्रेशन होता है जब लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लेके गए, तो ये बन जाएगा। द गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स, क्यों वो वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, मोमेंटम की वजह से होता है। तो मोमेंटम वाला ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, मगर हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कोलाइड करने से वॉल्स के ऊपर तो प्रेशर नहीं पड़ता, है फाइनाइट साइज, इसकी वजह से तो हम वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता अगर उनका साइज फाइनाइट है। ओबे बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या है? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। तो बॉयल्स लॉ की वजह से वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है? नहीं, ये तो हमें सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बता रहा है। तो ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि मोमेंटम अगर इन मॉलिक्यूल्स में ना हो तो ये फिर प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर सकेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे वॉल्स में। आइस एक ऐसा मटेरियल है जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, यानी एक आइस क्यूब को अगर मैं मेल्ट कर दूं तो वो कम जगह घेरेगा अगर वो पानी बन जाएगा, इसीलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर आ जाती है। अगर मैं बर्फ के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, वॉल्यूम कम होगा, वो कम वॉल्यूम में बर्फ पूरी आने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए आसान होगा कि वो पानी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पानी में कन्वर्ट होकर वो कम जगह घेरेगी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट आइस का फिर कम हो जाएगा, वो ज्यादा जल्दी मेल्ट हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है उसका। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वैसे होता क्या है, हमें पता है 2/3 n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ये भी ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास इंटू वी स्क्वायर होता है, ये भी ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये गलत है। इन दोनों में से अब हम देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो है और मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों में से अब हम क्या सेलेक्ट करें? हम ये कहते हैं कि मास चूंकि चेंज नहीं होता गैस मॉलिक्यूल्स का, तो हम काइनेटिक एनर्जी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्पीड उसकी चेंज हो जाती है, वी चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का मास नॉर्मली एक जैसा रहता है, तो हम मास क्योंकि चेंज नहीं हो रहा होता तो फिर बी वाला ऑप्शन ज्यादा मुनासिब है।